ओके, हम लोग वही पढ़ेंगे टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं। क्या ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला केस है? नहीं, ये रिफ्लेक्शन वाला केस नहीं है, ये डिफरेंट केस है। हो रहा है रिफ्लेक्शन ही, लेकिन डिफरेंट केस है। ये फिनोमिनन कैसे ऑब्जर्व किया जाता है हमें वो समझना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TIR भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या कहता है? फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू वन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में दो कंडीशन मैंने सेटिस्फाई किया था, वो बताया था मैंने आपको, दो कंडीशन सेटिस्फाई मस्ट होने चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करना चाहिए? डेंसर से रेयर में ट्रेवल करना चाहिए, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। मान लो कि म्यू वन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, स्नेल्स लॉ से पढ़ते हैं और मानते हैं कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, मतलब लाइट जो ट्रेवल कर रहा है वो डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रहा है। यही बता रहा है, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, इट मींस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट मींस म्यू वन बाय म्यू टू इज ग्रेटर देन वन, और ग्रेटर देन वन म्यू वन बाय म्यू टू को म्यू मान लेते हैं, ग्रेटर देन वन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, तो म्यू वन बाय म्यू टू ग्रेटर देन वन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये क्वांटिटी क्या होता है? कॉन्स्टेंट होगा। एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए म्यू टू बाई म्यू वन क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। चलिए ठीक है, अगर ये क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है, इट मीन साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी बढ़ते जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जीरो था तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी जीरो होगा, बिल्कुल है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जीरो से थोड़ा बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी बढ़ रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी बढ़ रहा है, और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी और बढ़ रहा है। चलिए यही बता रहा है, साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए ये भी बात समझ में आई। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा था तो 100% रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, 100% लाइट रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, मतलब 100% लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जा रहा था, 100% लाइट डेंसर से रेयर में नहीं जा रहा था। रिफ्रैक्शन ऐसा होता भी नहीं है, ना रेयर से डेंसर में पूरी तरह से लाइट आता है, ना डेंसर से रेयर में पूरी तरह से लाइट आता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और यही केस रिफ्लेक्शन में भी ऐसा ही होता है, 100% लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में नहीं आता, ठीक है जी, तो नहीं आता है। इसीलिए मैंने दिखाया आपको कि ये इंसिडेंट रहे हैं, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है सेम मीडियम में, और बचे और मोस्ट ऑफ द लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, कुछ पार्ट आ रहे हैं रिफ्लेक्ट होके और मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, तो बढ़ाते बढ़ाते की सिचुएशन ऐसा आता है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल आता है, जिस क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब 90 डिग्री हो जा रहा है, कितना हो रहा है भाई, 90 डिग्री हो जा रहा है। तो अब एंगल और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अब इन दोनों मीडियम के बाउंड्री पर आ चुका है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, बाउंड्री पे आ चुका है, और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आ चुका है, मतलब रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन भी हो रहा है साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, 100% पार्ट रिफ्लेक्ट होके नहीं आता है ना रिफ्लेक्शन में, और 100% पार्ट रिफ्रैक्ट भी नहीं होता दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन में, कुछ मैक्सिमम पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों में दिखा रहा हूं। अब अगर मैंने इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाया तो क्या होगा, तब क्या होगा बताइए, तब वही होगा जो होना चाहिए, है ना। वो ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो लाइट यहां तो जाएगा, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्शन अब होगा ही नहीं, रिफ्रैक्टेड रे होगा ही नहीं, रिफ्रैक्टेड रे है ही नहीं, बाहर उसमें और बाउंड्री में जा ही नहीं, वो क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा और एंगल बढ़ रहा है। मैंने कहा था कि
एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। तो अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ेगा, और बढ़ करके पहले तो कुछ पार्ट यहाँ रिफ्लेक्ट होके आ रहे थे, अब रिफ्रैक्शन से भी ज्यादा रिफ्रैक्शन भी आएगा, रिफ्लेक्टेड भी है प्लस रिफ्रैक्टेड भी, ठीक है, दोनों आ रहा है। ऐसे ऐसे फिनोमिनल को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अरे भाई कुछ तो रिफ्लेक्ट होके आ रहे थे, अब कुछ रिफ्रैक्ट होके भी आ रहे हैं, उसी मीडियम वापस आ रहे हैं, तो इस फिनोमिनल को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ऐसे ऐसे फिनोमिनल को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इस फिनोमिनल में लाइट जो है उसी मीडियम वापस रहता है। इस ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, इट इज नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी नहीं है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। ओके जी, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यही है, ये भी नहीं है, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हो क्या रहा है? लाइट पूरा का पूरा वापस उसी मीडियम में आ रहा है, डेंसर मीडियम में पुनः वापस आ रहा है, ठीक है, और लाइट वापस पुनः उसी मीडियम में आने वाले फिनोमिनन को, प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, म्यू वन है और ये म्यू टू है, और यहां पे मैं बता चुका हूं कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू। चलिए ये बात भी आपके समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये देखिए कि म्यू अगर ग्रेटर देन वन है, म्यू अगर ग्रेटर देन वन है तो आपको समझ में आ गया होगा साइन आई इज लेस देन साइन आर। साइन आई क्या है? साइन आई जो है साइन आर से लेस देन वन, लेस देन लेस लेसर देन है ना, साइन आई लेसर देन साइन आर, इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है तो डायग्राम ही अगर अच्छे से ड्रॉ करे तो ठीक है जी, इस बात को ये इंडिकेट कर रहा है ना, इस बात को ये इंडिकेट कर रहा है। चलिए तो हमने इतना सारा चीज पढ़ा, तो इस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्टेड रे है ही नहीं, दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रहा है, टोटल का टोटल लाइट पुनः उसी मीडियम में वापस आ रहा है रिफ्लेक्ट होके, रिफ्रैक्ट होके नहीं, रिफ्लेक्ट होता तो दूसरे मीडियम चले गया होता, रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस आ रहा है। ऐसे ऐसे फिनोमिनल को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। पहले तो कुछ लाइट आई थी रिफ्लेक्ट होकर के, और फिर और भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, और रिफ्लेक्शन में आप जाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। देख लीजिए इस चीज को, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके बहुत सारे फिनोमिनन है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, तो इसके लिए दो कंडीशन है। अगर आपको थ्योरी में पूछेगा, क्लास में पूछ सकता है, व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो दो नेसेसरी कंडीशन आप रखिएगा। लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट कहां से कहां ट्रेवल करना चाहिए? लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में ट्रेवल करना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं था, इस केस में भी नहीं था, इक्वल टू था तो भी नहीं हो रहा था। ग्रेटर देन की मैं बात कर रहा हूँ, इक्वल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ग्रेटर देन ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी अकर तो ही होगा, ग्रेटर देन होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है, इक्वल भी नहीं है। लेस देन की तो बात ही नहीं कर सकते। रिफ्लेक्शन की बात, हाँ रिफ्लेक्शन की बात अगर मैं कहूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल तो रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है? लेस देन और इक्वल टू कंडीशन है, इक्वल टू कंडीशन है, ये कंडीशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू लेस देन क्रिटिकल एंगल, देन ओनली रिफ्रैक्शन विल अकर, अदरवाइज इट विल नॉट अकर, इट विल नॉट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस बात को मुझे लग रहा है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इतना अच्छा आपको संसार में कहीं कोई समझाने वाला नहीं है। ओके,
अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं, ये काफी इजी है समझना। थ्योरेटिकल पार्ट में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है? रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, है ना, और रिफ्लेक्शन लेंसेज में भी होते हैं, और ग्लास स्लैब में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, बहुत सारे जगहों पे होते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तब होता है, ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या कहानी होती है कि जितना लाइट इंसिडेंट करता है उतना ही लाइट वापस आ जा रहा है सेम मीडियम में। ये एक विचित्र तरह का रिफ्लेक्शन है, एक अलग टाइप का रिफ्लेक्शन है। ये ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं है जो मिरर में होता है, ऐसा नहीं है। एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जिसमें 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक उसी मीडियम आता है विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बिना लाइट के इंटेंसिटी का लॉस हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट उसी मीडियम में आता है। पहला बात ये, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्शन में कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाते हैं, कुछ पार्ट क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं दूसरे मीडियम में। इन इट सम लॉस ऑफ इंटेंसिटी इज ऑलवेज ऑब्जर्व। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है लॉस ऑफ इंटेंसिटी, एज ऑल लाइट कैन नेवर बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, क्योंकि पूरा का पूरा लाइट 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ना रिफ्लेक्शन में ना रिफ्रैक्शन में। अगर ऐसा होता तो ये ब्राइटर इमेज देता, बहुत ज्यादा इमेज देता, इसका भी ब्राइटनेस इतना ही होता जितना इसमें इमेज होता है, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया है। तो इसकी वजह से इसमें एक और चीज देख सकते हैं, जो इमेज फॉर्म्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गिव्स द ब्राइटर इमेज, जो इमेज फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, वो ज्यादा चमकीला होता है, ज्यादा चमकीला होता है इन कंपैरिजन टू इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लेस ब्राइटर इमेजेस देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें जो इमेजेस फॉर्म होंगे कम साइन मारेगा, इसमें ज्यादा साइन भी रहता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स हम लोग पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। साइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, साइनिंग ऑफ एयर बबल, सिंपल एयर बबल नहीं, सिंपल एयर बबल इन वाटर। अगर हमने साइन एयर बबल को, ये क्या है भाई, तो हमने ये एयर बबल रखा है, ठीक है जी, बिल्कुल खाली जगह है, और ये क्या है, वाटर, ठीक है। तो एक एयर बबल को अगर हम वाटर में रखते हैं तो लाइट क्या कर रहा है, डेंसर से रेयर में ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल एंगल वाटर और एयर के लिए क्या है, 49 डिग्री है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, चमकता है, ये क्या होने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है। ये चमकने क्यों लगता है भाई, तो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस बात को भी आप लोग समझिएगा। पहला कंडीशन क्या, डेंसर से रेयर में लाइट जाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा कंडीशन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दूसरा है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड क्यों चमकता है, डायमंड के चमकने का कारण क्या है, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड के चमकने का सबसे बड़ा कारण क्या है, दैट इज द रीजन। रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड क्या होता है, चमकता है, ठीक है। तो चमकने के पीछे देखिए वजह क्या है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है और क्रिटिकल एंगल कितना है, 24 डिग्री। तो डायमंड को इस तरह से कट किया जाता है, इस तरह से कट किया जाता है कि आराम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल इतना है। तो डायमंड को कुछ इस तरह से कट किया जाएगा कि बार बार रिफ्लेक्ट होकर के लाइट क्या होगा, वापस अपने ही मीडियम में आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए ज्यादा चमकता है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, बताना कि एक डायमंड को अगर हमने एयर में रखा तब ज्यादा चमकेगा, कि वही डायमंड अगर हमने वाटर में रखा तब ज्यादा चमकेगा, कब ज्यादा चमकेगा। तो ये मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर है, तो 24 डिग्री है, लेकिन उसी डायमंड को हमने वाटर में डाल दिया तो हो सकता है क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा और ये क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो एक अलग कहानी है। आप लोग एयर के लिए मैंने इसमें बताया स्पार्किंग ऑफ डायमंड फॉर द एयर ओनली, मैंने बताया हूँ, वाटर दूसरे मीडियम के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं एयर के बारे में बता रहा हूँ, एयर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। दूसरा देखिए, अब सिंथेटिक रूटाइल निकाला गया है, एक कंपाउंड है जिसको हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, एक सिंथेटिक कंपाउंड है जिसको हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, लेटेस्ट रिसर्च इसको निकाला है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.9 है, दैट इज इक्वल टू 3
2.9 को अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे, इसका रिफ्लेक्टर एंगल कितना है, 20 डिग्री है, और ये ज्यादा चमकीला है, इट ब्राइट, इट शाइंस बेटर देन द डायमंड, डायमंड से ज्यादा चमकीला है ये। ये जो केमिकल सब्सटेंस मैंने बताया सिंथेटिक ड्यूटेराइड, ये ट्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ये डायमंड से ज्यादा चमकीला है क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.9 है, देख लो ज्यादा चमकीला है ये। ओके, मैंने एयर के बाद एयर के बारे में बताया था, ये वो मीडियम एंड एयर। ओके, अब हम लोग कुछ और ऑब्जर्वेशंस करते हैं ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड, कुछ और एग्जांपल्स को पढ़ते हैं, सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से और कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, वो यूज होता है फेनोमेनन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप लाइट पाइप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे फाइबर ऑप्टिकल फाइबर लगे हुए हैं, देखो छोटे छोटे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, है ना, बहुत बहुत पतले होते हैं, मतलब अपना जो हेयर है ना उससे ही पतला, बहुत छोटे छोटे बहुत पतले होते हैं, और बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स लाइट पाइप में एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे रहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं इसका, ये देखो ऑप्टिकल फाइबर है, हमने जूम करके इसको कुछ इस तरह से दिखाया है, ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें लाइट जा तो रहा है लेकिन तो फिर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके वापस फिर आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको कुछ इस तरह से दिखाऊं तो आप इस तरह को देख करके आप समझ सकते हो कि क्या कहानी है। देखो ये कहानी है कुछ इस तरह से, है ना। तो इसमें ये जो मीडियम है ना इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, और ये जो है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू। इस कहानी में लाइट जो ट्रेवल कर रहा है डेंसर से रेयर में कोशिश कर रहा है ट्रेवल करने का, कोशिश कर रहा है ट्रेवल करने का लेकिन ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल टोटल लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस आ रहा है, जिसके वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, म्यू वन मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। इसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, इधर साइड हमने फोटो खींच के मैं आपको बता रहा हूँ, इधर दिखा रहा हूँ मैं, क्रॉस सेक्शन है ये, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, क्रॉस सेक्शन देखो म्यू वन, ये इसका कोर है, ये इसका कोर है, और ये चारों बगल क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग है, और ये क्या है पाइप है, और ये क्या है कोर है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ठीक है, जिसके वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना, तो ही जाके यहां पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो जो ही डाटा जाते हैं इससे ही जाते हैं, तो हम लोग डाटा कनेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर्स डाटा जाता है वो उसका जो लॉस ऑफ इंटेंसिटी होता है बहुत बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, बहुत बहुत कम होता है, जिसकी वजह से डेटा जो होता है आराम से पहुंचते रहता है विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो जो नेट या इंटरनेट जो भी है ऑप्टिकल से आ रहा है ना, ऑप्टिक से आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर से पहुंच रहा है, उसमें लॉस ऑफ इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं आती है और तेजी से पहुंचता है, तेजी से पहुंचता है। और वायरलेस जो रहता है ना उसमें ज्यादा एनर्जी खपत हो जाती है, वो ज्यादा का ज्यादा सिग्नल्स नहीं आते उसमें, उसमें इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। ओके, तो इट इज फार बेटर देन वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होते हैं, 300 सिग्नल साइमल्टेनियसली ये एक साथ भेजा जाता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस और लॉस, एंड लॉस आल्सो, एंड लॉस ऑफ इंटेंसिटी, ना इंटरफेरेंस हो रहा है ना लॉस ऑफ इंटेंसिटी हो रही है। फिर बहुत सारे सिग्नल्स में भेज जाते हैं, फिर क्या होता है, इसके वजह से ये पॉपुलर हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर जो पॉपुलर हुआ है इसी की वजह से हुआ, 300 सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल्स को एक ऑप्टिकल फाइबर में एक साथ भेज सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी लॉस ऑफ इंटेंसिटी के, इसीलिए काफी पॉपुलर हो चुका है, काफी यूज हो रहा है, धरल यूज हो रहा है। लेकिन इसके उल्टा अगर हम इलेक्ट्रिक वायर का यूज करते हैं तो वो एक ही सिग्नल भेज पाता है, और ये खराब चीज है। और इसी ऑप्टिकल फाइबर का यूज डॉक्टर यूज करते हैं एग्जामिन करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए भी डॉक्टर्स क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं। काफी लचीला होता है ये क्या होता है, काफी लचीला होता है, इस वजह से कहीं भी यूज किया जा सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी स्टडी करने में यूज हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं पोरो प्रिज्म, ये पोरो प्रिज्म क्या है, पोरो प्रिज्म क्या है, एक ग्लास प्रिज्म है,
पोरो प्रिज्म क्या है? एक ग्लास प्रिज्म है, और ग्लास प्रिज्म कैसा है? राइट एंगल ग्लास प्रिज्म है, राइट एंगल में कैसा है? तो आइसोसेलस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म, आइसोसेलस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब के सब आइसोसेलस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म है, जिसको हम पोरो प्रिज्म बोलते हैं। इसका एक्शन देखो क्या है, इसका एक्शन एक बार में एक, देखो लाइट को 90 डिग्री से बेंड करना हो तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और इस तरह के ग्लास में जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है, तो 42 डिग्री होता है, और उससे ज्यादा यहाँ 45 डिग्री आ रहा है। इसके वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, TIR होगा, TIR होगा, TIR होगा, TIR होगा, सब में TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्रिटिकल एंगल देखो, यहाँ पे लाइट हमने इंसिडेंट कराया और ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इस वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट 90 डिग्री से बेंड कर जा रहा है। यहाँ देखो लाइट को हमने यहाँ रिफ्लेक्ट किया, यहाँ फिर ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री को मान के चलो, है ना, 45 डिग्री होगा, फिर ये बेंड करेगा और फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके फिर बेंड कर जाएगा। मतलब हमने इसको ऐसे रखा हुआ था, फिर हमने इसको अगर 90 डिग्री को ऐसे घुमा के रखा तो 180 डिग्री तक बेंड कर दे, बेंड कर जाएगा, है ना। और देखो 180 डिग्री तक हमने लाइट को बेंड कर दिया, प्लस इमेज को इरेक्ट भी कर सकते हैं, इमेज को हम क्या कर सकते हैं, इरेक्ट भी कर सकते हैं। इमेज अगर है तो कुछ हम उसको इमेज खड़ा, उसको इमेज को हम क्या कर सकते हैं, खड़ा भी कर सकते हैं। इन्वर्टेड है उसको हम खड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह के पोरो प्रिज्म का यूज करके। तो सब जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक बार हो रहा है, यहाँ पर दो बार हो रहा है, यहाँ पर एक लाइट के लिए एक ही बार हो रहा है, ना देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एक्शन ऑफ पोरो प्रिज्म पढ़ लिए। इस पोरो प्रिज्म का यूज होता है टेलीस्कोप में, जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्लस बाइनोकुलर्स में भी यूज होता है, जिसको दूरबीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दूरबीन, है ना, दूरबीन में भी इसका यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े, और भी पढ़ेंगे एग्जांपल्स, है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, ओके।